हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज मैग्नेट हंग एट 45 डिग्री विथ मैग्नेटिक मेरिडियन। 45 डिग्री पे है, इट मीन्स अल्फा की वैल्यू है 45। मैक्स एंगल 60 डिग्री, थीटा इज 60 विथ हॉरिजॉन्टल। एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप, तो आपको बताना है एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। थीटा डैश है ये, आपको बताना है एक्चुअल वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू बताना है। थीटा है एक्चुअल, और जो थीटा डैश है ये है ट्रू डिप और ये है अपरेंट डिप। We have to find out theta, true dip की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन से tan inverse root of 3 by 2, बी है tan inverse root 6, सी ऑप्शन है tan inverse root of 2 by 3 और डी है tan inverse 1 by root 2। की कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन ट्रू डिप एंड ट्रू एंड apparent dip। True dip, as we know that tan of theta dash क्या होता है, tan of theta by cos of alpha, जहां पे theta dash क्या है, apparent dip। एपरेंट डिप, और एपरेंट डिप है 60 डिग्री और थीटा क्या है, एक्चुअल डिप, ट्रू डिप। और ट्रू डिप हमें निकालना है और जो अल्फा है उसका वैल्यू हमें दे रखा है 45। तो वैल्यूज रखने पर टेन ऑफ 60 विच इज टेन ऑफ थीटा बाय कॉस ऑफ 45। अब आप यहां पे वैल्यू रख दीजिए, टेन 60 क्या होता है, रूट ऑफ 3। tan थीटा बाय cos 45 क्या होता है, 1 बाय रूट 2। सो यहां से आपका आ जाएगा tan थीटा हो जाएगा रूट ऑफ 3 बाय 2 और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 3 बाय 2। tan इनवर्स रूट ऑफ 3 बाय 2, आंसर ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।